मित्रों नमस्कार। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल में। चैनल का नाम आयुर्वेदिक पौधों का ज्ञान है। आज का पौधा स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को दूर करता है। आज का विषय 4 होगा, मेडिसिनल यूज, पौधा कहां से लाएं, पौधे का ध्यान कैसे रखें, पौधे को कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है। इन 4 विषय पर आज हम लोग बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, वह पौधा कलिहारी का था। आज हम लोग जिस पौधे के बारे में बात करेंगे, उस पौधे को साइंस में कहते हैं कैमोफ्लेरिया गैलेंगा, और इस पौधे को आप आम भाषा में कहते हैं कचूर। आइए हम लोग इस पौधे के मेडिसिनल गुणों के बारे में बात करते हैं। इसका उपयोग बलगम निकालने के लिए उपयोगी माना जाता है। सर्दी तथा खांसी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। भुस्तानी तने के अंदर कोशिका विषाकर्ता गुण पाया जाता है। इसका पौधा कहाँ मिलेगा? ये पौधा आपको किसी आयुर्वेदिक संस्थान में मिल जाएगा। इसका पौधा कैसे तैयार करें? इस पौधे को तैयार करने का तरीका यह है, आप पौधे से पौधे तैयार कर सकते हैं, वहाँ से लाकर आप लगा सकते हैं। यह राइजिंग के माध्यम से भी तैयार होता है। इस पौधे के जलवायु के बारे में बात करते हैं। यह पौधा 10 डिग्री से 45 डिग्री तक का टेम्परेचर सहन कर सकता है। इसका मतलब यह पौधा 12 महीना चलेगा। पानी की आवश्यकता सामान्य होती है। आइए हम लोग पौधे को देखते हैं, छूकर महसूस करते हैं। ये आप कचूर देख रहे हैं, कचूर का पौधा है। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, वैसे सुंदर है भी। ये गुणकारी है, मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। बाकी आप रेज्यूम से ये पौधा तैयार होता है, रेज्यूम से आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखें, रेज्यूम से पौधा तैयार हुआ है। ये एक पौधे से कई पौधे तैयार होते हैं। बड़ी आसानी से आप रेज्यूम से लगा सकते हैं। मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।